Hey there guys, what's up? Welcome back to my channel, मैं आपका फैन फैंसी पोकेस्टार। और आज का हमारा वीडियो होने वाला है सीजोर के ऊपर। मैं सहायता से नहीं सीजोर से खेलने वाला हूँ और ये सीजोर का गेम प्ले होने वाला है। और आपको क्या अच्छा लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, सहायता या सीजोर। और रही बात दूसरी, तो अब आप मेरे को पहले से सपोर्ट नहीं दिखा रहे, मैं काफ़ी ज़्यादा सॉरी कि मैं इतने टाइम तक ऑफलाइन रहा था। बट प्लीज़ मेरे को वापस से वो सपोर्ट और वापस से वो प्यार दिखाइए। और इसका बिल्ड आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। और इसका एम्बलम, तो इसके ऊपर आप अटैकिंग एम्बलम लगा सकते हो या एचपी एम्बलम लगा सकते हो। एचपी एम्बलम्स की कुछ खास ज़रूरत नहीं, तो अटैकिंग एम्बलम्स लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। और अब तो मैं एक टाइप से सीजोर मेन बन गया हूँ। लिटरली मैं ज़्यादा का तो सीजोर ही यूज़ करता हूँ, कि मुझे अब कुछ सीजोर कुछ ज़्यादा ही पसंद आने लगा है। और हाँ, मैं एक दो दिन से एक्टिव भी हूँ, तो जो भी खेलना चाहिए एक दो दिन आ जाओ भाई, उसके बाद मैं वापस से ऑफलाइन हो जाऊँगा थोड़े टाइम के लिए। मतलब सिर्फ रिकॉर्डिंग करने के लिए आता हूँ नॉर्मली तो। ओके, यहाँ हमारी टीम पुश करने की कोशिश कर रही है, बस ये यहाँ पर है। और ये देखो, अगर मेरी वीकनेस पॉलिसी भी फुल होती ना तो मेरा अच्छे से वर्क कर जाता, बट वीकनेस पॉलिसी फुल नहीं थी। कोई ना, यहाँ पर ये आने वाला है। ओके, सही है। और इसका सिर्फ 3 मिनट का ही लगता है, मतलब 3 सेकेंड का ही ये लगता है कूल डाउन। ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और भाई कोई आगे आ जाओ, आगे ही आगे, सही है। और यहाँ पे ये म्यू को पहले मारना चाहिए, बट यहाँ पे ये मोटे पे एम हो जाता है मेरा। बट फिर भी कोई ना ब्रो, यहाँ पे मैं सोचता थोड़ा पीछे चला जाऊँ, बट भाई हमारा स्लो ब्रो काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव खेल रहा था, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल रहा था। मतलब मेरे को बचाने के लिए ऑफेंसिव खेल रहा था, मतलब काफ़ी अच्छा खेलता है हमारा स्लो ब्रो। और मेरा सीजोर भी काफ़ी अच्छा है। और लास्ट गेम में मेरा एक सब्सक्राइबर ने सीजोर लिया था, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक बार सीजोर का गेम प्ले ला ही देता हूँ। और सीजोर रियल में काफ़ी बढ़िया है, इसको जंगल देना चाहिए आपको, क्योंकि जंगल के बिना अच्छा है और जंगल के साथ और अच्छा रहेगा। और इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अटैक की जगह आप रेजर क्लॉ लगा दो, क्योंकि भाई मैं अटैक वेट लगा दो तो जंगल करने के बाद मैं स्टैक नहीं कर पाता। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अटैक की जगह रेजर लगा दो, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। ऊपर कोई है ही नहीं भाई, हमें गोल डिफेंड करना होगा। और यहाँ पे म्यू गोल करके भाग भी गया, चलो कोई ना। अरे यहीं पे म्यू भाई, म्यू आ गया हाथ में। अरे एक तो इसका सर्फ बड़ा ही परेशान करता है भाई, ये मरेगा। अरे यार ये बच गया, चलो कोई ना, म्यू मरेगा। अरे म्यू भी बच गया, अरे ये वापस आ गया। नहीं, ये मरेगा। चलो म्यू को मार दिया मैंने। और अब स्नोलैक्स की बारी भाई। इसका जो कूल डाउन है, मतलब 3 सेकंड का कूल डाउन जो लगता है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और डबल हिट क्या करता है, अगर इसी चांस में अगर आपने इसको मार दिया, मतलब जो सामने वाला प्लेयर है, तो सारे के दोनों मूव्स अपने आप रीसेट हो जाएंगे। सिर्फ ये एंटिटी पे वर्क नहीं करते, ये सामने वाले प्लेयर्स के ऊपर ही वर्क करते हैं। और हमारा स्लो ब्रो काफ़ी अच्छा खेल रहा है, लिटरली सही कहना चाहिए, सही में अच्छा खेल रहा है। ओके, जल्दी से ये भी ले लेते हैं। और ओके, हमने ले लिया, ये भी मैंने लिया है। इससे सिक्योर भी अच्छा ही होता है यार, आप बुलेट पंच से स्टील भी कर सकते हो। और ये देखो, ये लाइट चली गई, इसका मतलब इसका जो 3 सेकेंड वाला कूल डाउन था वो अभी चला गया। अगर आपने किसी को हिट नहीं किया तो ये 8 सेकेंड का कूल डाउन लगाएगा। और ये मेरी अल्टी वेस्ट हो गई, मतलब लगी नहीं इसको भाई। यहाँ पे बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है मेरी। ओके, अरे कहाँ भाग रहा है ये ज़ेरोरा। अरे यार, एक तो इसको बचाने के लिए ये बीच में कूद गया भाई। यहाँ पे अलग फाइट चल रही है थोड़ी, बट बड़ा मज़ा आ रहा है। और भाई मैं पहले से इस मोटे को मार लूँ। ओके, पहले गोली कर लेता हूँ, अगर बच गया तो ओके। मैंने ज़ेरोरा को मार दिया, मेरे को ज़ेरोरा को ही मारना था। अब ये मेरे मोटा मेरे पीछे पड़ गया, तो भाई लड़ ही लेते हैं। चलो कूल डाउन ख़त्म होने से पहले बुलेट सीट तुम्हारी हेल्थ रिकवर भी करता है। और भाई नहीं, काश मेरे पास फोकस होता यार, मैं मर गया। चलो फर्स्ट बार ही मरा हूँ यार, चलेगा इतना तो। सो गाइस, अभी ऊपर पुश आया था, बट हमारे मतलब फ्रेंड्स ने और क्या कहते हैं प्लेयर्स ने संभाल लिया है। और ये इसने अल्टी वेस्ट की है, सरासर इसकी अल्टी वेस्ट हुई है। चलो अच्छा ही है, हमारे ही काम हो गया। और भाई मिस्टर मैम का डैमेज अभी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं यही कहना चाहूँगा कि मिस्टर मैम अभी भी काफ़ी ब्रोकन टाइप का ही है। कितना भी नर्फ दे दे इसको, फिर भी ये बहुत अच्छा है अभी भी। और अभी भी एलडी को उसको नया बफ मिला है भाई, मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा है। एलडी को उसको सही बफ मिल गया, मैं एलडी को उसका भी गेम प्ले जल्दी ही लाऊंगा। आई नो उस पर सपोर्ट कम ही मिलेगा, बट फिर भी भाई मेरे को एलडी को काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। ओके, और इसका डबल हिट जो जंप करता है भाई सीजोर, मुझे वो एनिमेशन इतना सही लगता है। आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, ये लोग आ चुके भाई,
टूट पड़ा इन लोगों, भाई बेचारे को ये देखा अभी रीसेट हुआ क्योंकि वो बंदा ही मर गया, चाहे कोई भी मारे हमारी टीम से बट वो अपने आप रीसेट हो ही जाता है। और देखो अगर आप इसके ऊपर रेजर क्लॉ लगाओगे तो इसके क्रिट के चांसेस बढ़ जाएंगे और क्रिट देगा ये ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ओके ओके ओके, भागो भागो। अरे यार मैं किल स्टील करने की कोशिश करने वाला था। ओके भाई अल्टी चलाने का मौका चाहिए बस। ओके मेरे को बड़ी आइडिया मिल गया है, मतलब हमारे टीम का एक। ओके दो क्यों स्टिक टू तो निकाल दिए मैंने, भाई बस करो यार कितना जंप करेंगे ये लोग। भाई इस म्यू को तो मैं नहीं छोड़ने वाला। ओके भाई म्यू ने अल्टी चला दी बट फिर भी ये म्यू तो जाएगा। यहाँ पे मैंने अभी के अभी फोर केओ स्ट्रिक बना दी, मतलब ऐसा दिख नहीं रही बट मैंने चार बंदों को मारा है और अभी भाग ही लेता हूँ भाई, अभी लड़ना बेफालतू होगा। और ऊपर से मुझे मोटे से अलग दुश्मनी है भाई, ये बार बार मेरे ही पीछे पड़ा रहता है। ओके भाई इसका एक तो ये ब्लॉक मुझे इतना इरीटेट लगता है, भाई इसकी अल्टी फिर से वेस्ट हो गई, सही है। और इस टाइम पे वेस्ट हुई तो इनडायरेक्टली, तो भाई ज़ेप्डोस का टाइम थोड़ा सा ही बाकी है और यहाँ पे मैंने इतनी देर से जंगल नहीं लिया तो वापस जंगल ले ही लेता हूँ फटाफट से। ओके मेरे पास ये रेड बफ है फिर भी मैं पता नहीं क्यों ले रहा हूँ, चलेगा भाई लेने में क्या ही जा रहा है, हमारी टीम से और कोई नहीं लेने वाला। ये सब भाई काफ़ी अच्छे बंदे हैं और ये मेरी बाय द वे मतलब इसमें मैं टीम में खेल रहा हूँ, मतलब पाँचों के पाँच, ये मेरी सोलो नहीं है। ओके सही है। और मेरे को ये ब्लू बफ काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ये कूलडाउन रिड्यूस करता है और इसका तो ऑलरेडी रिड्यूस ही है भाई, 3 सेकेंड है, 3 सेकेंड का 2 सेकेंड ही कर पाएगा ना, और ज़्यादा क्या ही करे भाई। ओके ओके ओके, यहाँ पे ज़ेरोरा है भाई, ज़ेरोरा को तो नहीं छोड़ने वाला मैं, छोड़ो। अरे यार मेरा अटैक मिस हो गया, देखा अटैक मिस हुआ तो 6 सेकेंड का कूलडाउन लगा, अगर ब्लू बफ ना होता तो 8 सेकेंड का लगता। और यहाँ पे मेरा थोड़ा काम आ गया तो मैं वापस आता हूँ जल्दी। मैं 1 मिनट तक ऑफलाइन रहा, सॉरी भाई, मतलब मैं वो गेम प्ले तो नहीं दिखा रहा बट भाई इस गेम के अंदर मैं 1 मिनट तक ऑफलाइन रहा, काफ़ी ज़्यादा ऑफलाइन रहना पड़ा मुझे कुछ काम की वजह से। ओ भाई अब रिकनेक्टिंग की अलग प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा है, मतलब ये तो होना ही है भाई क्योंकि मैं ऑफलाइन गया था तो रिकनेक्टिंग की प्रॉब्लम होनी है। और भाई इस सब को छोड़ो और सीधा मेन पे चलो, मतलब इसके ज़ेप्डोस के बीच में, और यहाँ पे अलग चल रहा है भाई फाइट, पहले इस म्यू को मारो। ओके मैंने इस म्यू को मार दिया जल्दी से, भाई हमारी टीम सारी मिल गई, अब तो सामने वाले गए। ओके दो बंदे मर गए, अरे यार नहीं 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 भाई यहाँ से बचो, इसकी शील्ड टूटने दो भाई। ओके शील्ड टूट गई है, जल्दी से बुलेट पंच, और इस मोटे को तो अब मैं मार के ही रहूँगा भाई, इस मोटे ने पूरी गेम में परेशान किया और भाई लेने की ट्राई करते हैं, नहीं 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 नहीं। ओके मैंने भाई सिक्योर कर दिया भाई गंदा वाला। ओके इसको जल्दी इस मोटे को मारो, ओ भाई इस बार तो मैंने ही मारा यार, लिटरली इतने टाइम से वेट कर रहा था इसको मारने की। ओके ये मेरी शील्ड तोड़वा, इससे पहले भाग के गोल कर देता हूँ, यहाँ पर आई थिंक मिस्टर मैम गोल कर देगा, मेरे को लगा ही था भाई मिस्टर मैम गोल कर देगा बट छोड़ो जल्दी मैं यहाँ पे गोल कर देता हूँ। अरे यार मेरी शील्ड टूट जाएगी, आई थिंक मुझे अभी पीछे चला जाना चाहिए। ओके मिस्टर मैम यहीं आ गया तो भाई अभी फाइट ले लो, मिस्टर मैम मेरी थोड़ी हेल्प कर ले भाई, हमारा मिस्टर मैम हेल्प करने की जगह खुद गोल कर रहा है भाई, चलो कोई ना हमारा गोल एक्स्ट्रा हो गया और 48 का गोल हुआ है तो काफ़ी बढ़िया गोल ही हुआ है, चलेगा। मैं मर जाऊँगा भाई इस तरह, नहीं 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 भाई मुझे बच के जाना होगा। ओके सही है मैं बच गया और वो भी आधी से ज़्यादा HP पे हूँ। ओके कोई ना मैं अभी डिफेंड कर लेता हूँ और क्या ही करूँ भाई, मैं अब कुछ कर तो सकता हूँ नहीं। ओके यहाँ पे इनका ज़ेरोरा आ चुका है और ये तो जाएगा भाई, ये मेरे को चकमा देख के वहाँ कहाँ जा रहा है। ओके भाई इसके पास गोल गेटर है, छोड़ो भाई ये कुछ नहीं करो पा, ओ भाई क्रिट लग गया भाई बड़ा सही वाला, और ऊपर भी बंदे आ रहे हैं भाई, जल्दी से जल्दी भागो, मेरी अल्टी भी आने वाली है, काफ़ी ज़्यादा चार्ज हो ही चुकी है तो जल्दी मेरी अल्टी भी आ ही जाएगी। ओके यहाँ पे भाई ये मोटा वापस आ गया और ये जिस लैश तो पता नहीं क्या ही मार खा के जा रहा है। ओके अब मेरी अल्टी तो इस पर वर्क नहीं करेगी बट फिर भी चल भाई मर जा भाई, यार मेरा किल चला गया बट कोई ना भाई, अच्छा अच्छा ही गेम प्ले बना है मेरा। और अभी तक लाइक नहीं कर लाइक कर दो, चैनल पे मेरे सब्सक्राइब कर दो यार अभी तक नहीं किया तो, और हम ही जीते ऑफकोर्स बट मेरे को एंड में गोल करने नहीं मिला, बस हमारी परंपरा टूट गई, मैं एंड में नहीं मरा, फाइनली मेरा फर्स्ट गेम प्ले जिसमें मैं एंड में नहीं मरा, और इसमें MVP मैं बन के पता नहीं कैसे 11 के लिए इसलिए शायद। और मेरा डैमेज भी देख लेते हैं, हमारा डैमेज है 76,000, काफ़ी अच्छा, मेरे को तो काफ़ी अच्छा डैमेज लगा, आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।